हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल अकाउंट श्योर सॉल्यूशन में। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए बताऊंगा कि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जब आप बिल बनाते हो तो काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई भी इनवॉइस रहता है उस पर लिखा रहता है क्रेडिट कैश, तो उससे क्या होता है कि आप मार्केट में जैसे माल बेचने जाते हो, यानी आपने क्रेडिट का बिल बना रखा है तो उस पर क्रेडिट लिखा हुआ होना चाहिए, अगर आपने कैश का बना रखा है तो कैश लिखा हुआ होना चाहिए। अब आपके बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या सेटलमेंट कर रहे हो वो बात की बात है, लेकिन जैसे अगर आप केस का बिल है और आपने उसको क्रेडिट बना के दे दिया तो वो आपसे मतलब एक तरीके से वो बोलेगा जी ये आपका क्रेडिट का बिल है और आपने केस लिख रखा है, या केस का बिल है ये क्रेडिट लिख रखा है। तो आप लोग क्या करोगे कि आपका जैसे ही इनवॉइस बनता है तो बीजी के अंदर एक सिस्टम रहता है, क्योंकि जो अंदर का जो सेटलमेंट है वो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन इनवॉइस पे प्रिंट कराने के लिए आप बीजी का जो ऑप्शनल फील्ड है उसका आप यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, इनवॉइस बनाते टाइम पे आप लोग जो भी क्रेडिट की पार्टीज है, अभी देखो आपके इनवॉइस पे अगर आप क्रेडिट केस नहीं लिखोगे तो काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं कि भैया इसका पेमेंट मैंने दे दिया, ये तो केस का ही बिल है, तो आप लोग लिखना ज़रूरी है। कोई सा भी अगर इनवॉइस आपका मार्केट में जाता है, क्रेडिट में आप माल बेचते हो, तो आपको क्रेडिट केस लिखना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पार्टियां, अगर आपका जैसे पार्टी का साइन वाला बिल नहीं मिलेगा तो आपके लिए वो पेमेंट नहीं देगा, जबकि उसको पता है कि मेरे पास ये माल आया है, फिर भी पार्टियां ऐसा करती है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से अगर इनवॉइस बनाते हैं तो कैश क्रेडिट कैसे इनवॉइस पे प्रिंट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप लोग सीख सकते हैं या कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी मैंने मेरा इनवॉइस दिखाया, तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर स्टैंडर्ड वाला जो बिल है इसके अंदर कैश क्रेडिट से संबंधित कोई भी ऑप्शंस नहीं है। अब मैं इस पे चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है बिल मोड क्रेडिट या फिर कैश, जो मैं सेलेक्ट करता हूँ जो लिखा हुआ आना चाहिए, किसके अंदर, स्टैंडर्ड बिल फॉर्मेट के अंदर। तो आप लोग कैसे कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो पहले आपको क्या करना है, किसी भी वाउचर के अंदर जाके अल्ट एफ आपको प्रेस करना है, इसके बाद वाउचर कॉन्फिग्रेशन पे क्लिक करना है, सेल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको मेन सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी सीरीज है वो आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद वाउचर कॉन्फिग्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे वाउचर ऑप्शनल फील्ड वन के अंदर मैंने जैसे यहाँ पे वन लिख रखा है और यहाँ पे कॉन्फिग्रेशन पे क्लिक किया तो मैंने क्या लिख रखा है, बिल मोड, और मैंने यहाँ पे डेटाबेस मेंटेन कर रखा है, ताकि क्या है, मैं इनवॉइस बनाऊंगा तो मैं जैसे क्रेडिट लिखूंगा तो डेटाबेस पॉपअप आएगा और वहां से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या लिखा, वाउचर का ऑप्शनल फील्ड वन चालू किया, उस पर फील्ड का नाम लिखा है बिल मोड, और यहाँ पे इसको जो टाइप है टेक्स्ट लिखा है, डेसिमल प्लेस में मैंने जीरो रखा है, मतलब इस पर एरो नहीं रुकेगा, और मेंटेन मास्टर डेटाबेस यहाँ से मैंने वाई किया है, यहाँ से वाई करने के बाद यहाँ से मैंने सेव किया, सेव करने के बाद यस कर दिया। अब दोस्तों क्या होगा, जैसे मैं बिल बनाने जाता हूँ, मैंने यहाँ पे इसी बिल को मैं मॉडिफाई मोड में ओपन करता हूँ, तो मेरे से यहाँ से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ये बिल क्रेडिट का है या कैश का है, मैंने यहाँ पे क्रेडिट लिखा, क्रेडिट लिखने के बाद मैं इस बिल को सेव कर देता हूँ। अब देखो ये क्या है, ओनली इनवॉइस पे प्रिंट कराने के लिए है, अंदर का जो डेटाबेस है आपने सेटलमेंट में केस कर रहे हो क्रेडिट कर रहे हो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इसका सेटलमेंट का भी वीडियोज मैंने बना रखा है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे फीचर्स का मैंने बना रखा है, जितने भी बीजी के फीचर्स है आने वाले टाइम के अंदर, ये जितने भी बीजी के छोटे से छोटे बड़े से बड़े जितने भी फीचर्स होगा उसका आपको बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जितने भी फीचर्स है उनका वीडियोज अपना जो चैनल है अकाउंट से और सॉल्यूशन पे आपको 101% मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ से सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ से रेफरेंस जनरेट किया, मैंने इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद यहाँ से भी मैंने सेव कर दिया। ठीक है,
अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑप्शनल फील्ड वन के अंदर लिख तो दिया, लेकिन उसको प्रिंट कैसे कराना है। अब उसका प्रिंट कराने का तरीका है क्या है, अल्ट एफ प्रेस किया, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग एडवांस पे नहीं जाना है, आपको स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है, एंटर किया। इसके बाद सेल्स इनवॉइस पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्शनल फील्ड ट्रांसपोर्ट डिटेल प्रिंटिंग, इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से मेरे से पूछा जा रहा है कि प्रिंट फील्ड नेम प्रिंट इन डॉक्यूमेंट्स, तो यानी मैंने यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ से ओके किया, ओके करने के बाद सेव पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने क्या कर दिया कि ऑप्शनल फील्ड वन के अंदर जो मैंने डेटा लिखा है उसको बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के डिफॉल्ट इनवॉइस के अंदर ये प्रिंट करके दे दे। मैं क्या करता हूँ कि इसको अल्ट पी प्रेस किया, एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया, एंटर किया, एंटर करने के बाद अब मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, बिल मोड क्रेडिट। अब इससे क्या होगा कि आप जैसे बिल मार्केट में माल देने जाते हैं या फिर सप्लाई करने जाते हैं तो उस केस में वो सामने वाला देखेगा भाई क्रेडिट का बिल है तो वो क्रेडिट ही उसका चेक देगा या फिर मतलब जैसे रसीद कटवाएगा। अगर यहाँ आपका केस का है तो केस कर सकते हैं, इससे क्या लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे जो भी कोई भी कस्टमर है ना, माल आप दे के आओगे भले से वो केस का बिल है लेकिन वो क्या करेगा, केस के बिल पर भी वो साइन करके आपके लिए दे देगा, भैया कल आपका ये पेमेंट ले जाना, और वो बाद में क्या करेगा कि इसका पेमेंट मैंने दे दिया है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे रहते हैं, पहले केस का बिल मंगवाएंगे उसके बाद पैसा नहीं देंगे और बाद में बोलेंगे उसका पैसा हमने दे दिया, तो आप लोग ऐसे लोगों से बच सकते हैं। तो यहाँ पे केस क्रेडिट का और आप साइन पे लिखवा ले भले से कि इसका पैसा नहीं दिया है, अगर आपको लगता है कि इसका पेमेंट नहीं दिया है इस तरीके से भी आप इनवॉइस पे लिखवा सकते हो, क्योंकि जितना सतर्क रहोगे उतना ही अच्छा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आप इनवॉइस पे क्रेडिट और केस अगर केस लिखना चाहते हैं तो केस लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे केस लिखा, केस मेरे पास नहीं आ रहा तो मैंने क्या किया, F3 प्रेस किया, यहाँ से मैंने केस लिखा और यहाँ से एंटर किया। एंटर करने के बाद अब मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पे स्टैंडर्ड पे सेलेक्ट किया, प्रीव्यू पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे केस लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से आपका जो भी डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट है उसके अंदर आप कैश क्रेडिट का ऑप्शन चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी तरह का कस्टमाइजेशन का काम कराना है या फिर आपको इनवॉइस डिजाइनिंग का काम कराना है या कोई रिपोर्ट आपको बनवाना है या बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, हो सकता है वो चार्जेबल रहे, हो सकता है वो बिल्कुल फ्री रहे, तो कैसे भी हो सकती है आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।